लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, है वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है, वो आपको मैं बताता हूँ क्या स्पेशल डे है भाई। आज है इंडिपेंडेंस डे। ये देखो हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का डंडा वही देश का झंडा। सो गाइस आज हम बिल्कुल एकदम क्या है बोलते हैं भाई से भाई अल्टीमेट चीज करने वाले, बिल्कुल प्योर अल्टीमेट गाइस। ऐसी चीज करेंगे पूरा भवंडर ला देंगे, दुनिया ला देंगे, सुनामी आ जाएगी, भवंडर भूकंप। तो भाई आज हम करने वाले अल्टीमेट कुछ 15 अगस्त को। यार को आज पता है हमारा देश आजाद हुआ था, आजादी प्राप्त की थी हमारे देश में। गाइस बहुत ही बड़ी बात है आज का दिन भाई, आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ओ देश मरे। तो भाई अभी हम इसके साथ कुछ अल्टीमेट करने वाले हैं, तो आपको अभी दिखाते हैं। हम जल्दी जल्दी जाते हैं कहीं पर जाएंगे भाई, आपको बताएंगे ऐसे ब्लॉग में बने रहे कहीं पर कहाँ पर जाएंगे। तो गाइस आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से भाई। बहुत मजा आएगा मेरी तरफ से भाई। झंडा गड़ेंगे देश का झंडा, वो भी कहीं पर जाके आपको दिखाते, कुछ अल्टीमेट करेंगे। हमारे दिमाग के अल्टीमेट आइडिया आते रहते हैं भाई, आप देखते रहते हैं, हमारे दिमाग में आते रहते हैं, हम करते रहते हैं भाई। आज दिल से खुशी हो रही है, आज है 15 अगस्त, हमारा देश आजाद हुआ था। हमें भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, इसीलिए हम जहाँ पर देश में बस रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें अपने देश के लिए अलग सा। तो गाइस हम देश के लिए तो अलग सा करते रहते हैं, और भी आज कुछ मस्त सा करेंगे, आप देखना जरूर ब्लॉग में, ऐसे बने रहे। तो गाइस अभी आपको मिलते हैं रास्ते में गाइस, कुछ अल्टीमेट करने वाले। ओ भाई गिरने वाला था भाई, क्या क्या हो रहा है। तो गाइस अभी हम इतने सारे देरों ब्रेड के पैकेट ले लिए, 4-5 ले लिए ब्रेड के पैकेट, क्योंकि गाइस इंसानों के साथ सभी सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ। जो भी हमें मिलेगा तो आपको हम दिखाएंगे कौन कौन सा हमें एनिमल मिलता है, उसके साथ हम सेलिब्रेशन करेंगे। आपको पता है हम डॉग लग रहे हैं, हमने घर में भी कितने सारे डॉग पाल रखे हैं भाई, बहुत सारे डॉग हैं। जो डॉग पसंद है तो डॉग तो अलग से पसंद है, एनिमल्स भी एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस एनिमल लवर हूँ मैं गाइस, इसीलिए आज एनिमल के साथ सेलिब्रेशन करेंगे, उनको आज खाना देंगे उनको। तो भाई सेलिब्रेशन का तो वहाँ पर खाना पाता है जंगल में, गाइस जो डॉग रहते हैं आने वाले हमें मिलते हैं, सभी डॉग रहते हैं कोई एनिमल हमें मिलता है गाइस। गाइस हमारा फ्लैग आज हमारे साथ साथ, बैकग्राउंड आज आपको फ्लैग ही दिख रहा होगा, आज कोई नहीं जंगल जंगल दिख रहा होगा, ना कोई कुछ और आसमान, बस फ्लैग फ्लैग वाला बैकग्राउंड लगाया है आज हमने बाइक पे बैठे बैठे फ्लैग का बैकग्राउंड। तो गाइस आगे देख लो कितनी ज्यादा धूल उड़ रही है भाई, हालत खराब हुई है आगे तो, भयंकर वाली धूल। तो गाइस आपको आगे थोड़े पहाड़ देखकर अंदाजा लग गया होगा हम कहाँ पर आए, पहाड़ों में। तो गाइस हम पहाड़ों में जाकर सबसे ऊंचे वाले पहाड़ की चोटी पर चढ़कर हम अपना झंडा, देश का झंडा आन बान शान, जो हमारे देश की है तिरंगा, वो हम सबसे ऊंचे वाली पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपने देश के तिरंगे को लहराने वाले हैं सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर, पहाड़ी पर भाई कुछ अल्टीमेट करने वाले आज। तो अल्टीमेट ये सांप बना दे, सांप ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही 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 लहरा यही। तो गाइस आज हम कुछ अल्टीमेट करने वाले अपने देश के झंडे को पहाड़ सबसे ऊंची वाली चोटी पर लहराने वाले हैं भाई, अल्टीमेट करेंगे ब्लॉग में। आपको पता है हम अल्टीमेट ऐसे ट्राई करते रहते हैं आज भी।
है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज। कुछ अल्टीमेट करेंगे 15 अगस्त में देश हमारा आजाद हो सा अल्टीमेट करेंगे गाइस कुछ। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। तो गाइस आज हम कुछ अल्टीमेट करने वाले, आपको पता है भाई अल्टीमेट हम ब्लॉग में ऐसे करते रहते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया, जय रही हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का झंडा मेरा इतना। चेक करो पहाड़ों में आ गए एक बार फिर से कुछ अल्टीमेट करने के लिए। काम करेगी क्या मेरे गांव जा मेरे दोस्त। तो गाइस ये क्या हो गया, मुझे तुरके आना पड़ा भाई, ये क्या हो गया सीन है। तो भाई चढ़ाई इतनी ज्यादा थी ना, बाइक तो पीछे को जा रही थी इसलिए मुझे ना तुरके जाना पड़ रहा। देखो कितनी ज्यादा भयंकर वाली चढ़ाई थी, मेरे बैक साइड पर हालत खराब होगी, इतनी सी चढ़ाई से हालत खराब होगी भाई। बाइक तो हमारी पीछे को जा रही थी, मैं जल्दी जल्दी से उतरा बाइक को पकड़ा, तो फिर चलते आगे अल्टीमेट करने के लिए कुछ। ओ भाई हालत खराब भाई, जतन तो कैपरी पहन के आ गया, जेब वाली है ना जड़ी बूटी है जेब वाली, इतनी ज्यादा है ना इससे खुजली होती है भाई, भयंकर वाली है। अभी मैं आपको लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा प्यारी अल्टीमेट लोकेशन पर आए हैं हम। तो गाइस अभी मैं आपको रिवील करने लगा, उतनी प्यारी लोकेशन पर आया सब उस वाली पहाड़ की चोटी पर हम अपना झंडा, देश का झंडा आनवान शान को लेकर आए भाई। मस्त सा एकदम दिल में खुशी हो रही है, भयंकर वाली बहुत ज्यादा। तो आपको भी जल्दी जल्दी दिखाते हैं, देरी किस बात की, तो आप भी देखने के लिए उतावले हो रहे होंगे। दिखा दिया जाए, चलो गाइस दिखा दिया जाए आपको भी। तो गाइस जी रहा हमारे सामने खुशबू, तो जे रहे अपने देश की आनवान शान हमारा झंडा, और हमारा देश का झंडा सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पर झूल रहा है, क्योंकि गाइस हमारा देश ऑलवेज ओपी ओपी। चलो जय भारत। गाइस ये देखो कुछ अल्टीमेट सा व्यू सबसे ऊंची वाली चोटी पर, इसीलिए आपको ये अल्टीमेट व्यू दिख रहा होगा। तो गाइस ये रही हमारी देश की आन बान शान, हमारा देश का झंडा और तिरंगा, ये देखो अल्टीमेट व्यू, और उसके साथ हमारे देश का झंडा वो भी सबसे ऊपर। तो गाइस जय हिंद जय भारत। गाइस हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। तो गाइस हमने सोच रखा था हम कुछ अल्टीमेट करने वाले हैं 15 अगस्त पे, सबसे ऊंची वाली चोटी पर हमारे देश का झंडा जलाएंगे, इसे फ्लाई कराएंगे भाई। तो आपको भी देखकर मजा आएगा, जे मजा आया तो गाइस लाइक करा करो एंड सब्सक्राइब करा करो। ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, मेरा सबसे वाली ऊंचे पहाड़ की चोटी पर, तो इतनी प्यारी सी चोटी, इतनी ज्यादा प्यारी, तो जहाँ पर इतना प्यारा नेचर है, इतनी प्यारी प्लेस है गाइस घूमने फिरने के लिए, बहुत प्यारा है। तो स्टे लिए तो लोगों ने बहुत ज्यादा गंद फैला रखा गाइस, इतना ज्यादा गंद है ना, हम पहली बार इस चोटी पर आए, बहुत सबसे ऊंची वाली चोटी है, तो लोगों ने इतना ज्यादा गंद फैला रखा आपको दिखाता हूँ, बट ये सब ना करा करो भाई, मैं आपको ब्लॉग में बताता रहा गंद भाई। ये देखो कितने ज्यादा पॉलीथीन वगैरह है, खा पी कर देखो गाइस कितना ज्यादा आपको गंद ही दिखाई दे रहा होगा, देख लो बोतलें वगैरह पूरी प्लास्टिक का सामान है, पूरा प्लास्टिक भाई। ये देखो जाड़ी में छिपा रखा है भाई, ये देखो नीचे कैन वगैरह, ये क्या करते रहते हैं भाई। ये सब मैं गाइस आपको इसीलिए दिखाता हूँ, आप सब जब कोई मेरे व्यूअर्स भी, आप जितने भी देख रहे हैं मेरे ब्लॉग, जितने भी ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना इस वीडियो को जितने देख रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करा करो, कहीं पर भी जाते हो पहाड़ पर नहीं, कहीं पर भी जाते हो घूमने फिरने के लिए गाइस ऐसा मत करा करो गाइस, कोई जानवर एनिमल ऐसे खा जाएगा वो तो मर जाएगा इसे खाकर, प्लास्टिक को खाकर। 2-3 रीले भी बनाई है इंस्टाग्राम के लिए, तो आप जल्दी जल्दी जाके इंस्टा पे भी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो मैं नीचे भी दे दूंगा वीडियो में, तो जल्दी जाके टैप करो, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। तो हमने रीले वगैरह भी शूट कर लिया, तो वीडियो मौसम इतना प्यारा हो गया गाइस, ठंडा ठंडा एकदम नेचर हो गया गाइस, मजा आ रहा है आज तो एकदम अल्टीमेट किया गाइस। तो गाइस अभी हम जाने वाले थे, मौसम इतना अल्टीमेट हो गया, पहाड़ बिल्कुल काले काले हो गए, मैं आपको दिखाने के लिए एक बार फिर से वहां पर चोटी पर आ गया। देखो गाइस नीचे पूरी खाई खाई, वो देखो पहाड़,
पहाड़ों में आए हैं, पहाड़ों के आनंद ले रहे हैं, पहाड़ों में मजे कर रहे हैं, पहाड़ों में कुछ अल्टीमेट कर रहे हैं भाई, ब्लैक ब्लैक पहाड़ों। तो भाई ये क्या हो गया, अभी मैं आपको एकदम ठंडा ठंडा मौसम दिखा रहा, ब्लैक ब्लैक पहाड़ हो गए, पहाड़ों में मौसम हो गया, तो धूप निकले, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। हमने एनिमल्स को ब्रेड भी देने थे भाई खाने के लिए, उनके लिए भी कुछ नया करेंगे आज। तो भाई ये रहे अपने ब्रेड का पैकेट, भाई मैं तो जा रहा था, एक ब्रेड का पैकेट गिर गया, जल्दी जल्दी से पाते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, आपको मिलते हैं पहुँच कर एनिमल के पास। भाई हमें रास्ते में जी गाँव माता मिल गई, तो इन्हें गाँव माता को हम देते हैं ब्रेड। गाइस हमारा एक काम तो सक्सेसफुल रहा, अभी दूसरा काम हमने करना है, तो जानवरों को जब हम रास्ते में जाएंगे, कोई एनिमल मिलेगा, उन्हें ब्रेड देने है। भाई अभी पापा और जतिन पा रही है, उनको ब्रेड खिला रही है जी रे गाँव माता। गाँव माता जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भाई पापा डर गए, जतिन तू भी दे भाई। भाई भाई जी क्या हो गया, मुझे तो डर लग रहा है। तो गाइस अभी हम इस काम में भी सक्सेसफुल रहे, अभी और जानवर मिलेंगे और कुछ लाएंगे। भाई जो देखा देख लो, दूल वाले बवंडर में यार तो फंस गए। भाई जतन पता नहीं क्या करता रहता, पंखे करता रहता है, पहले इसने मंकी को ना रोड पर ब्रेड ना पूरा, भाई हमारे कौवे ने अटैक कर दिया। भाई जे हमारा पंछी है ना ब्रेड खा रहे है, खाने दो इसे, जितने खाता है खाने दो, एक ब्रेड हम इसके लिए छोड़ के जाएंगे। चल चल उड़ जा, ले भाई ये लेकर उड़ गया, एक छोड़ गया एक लेकर उड़ गया। भाई इसने है ना देखो हाथ में पकड़ रहा था, पैकेट खोल रहा था, सभी जहां पर गिरा दिए, जहां पर तो बेस्ट ही जाएंगे रोड पर। उठा जल्दी उठा उठा, एक कौए के लिए छोड़ दे भाई, कौआ तो मैं देख रहा है, दो छोड़ दे। चलो भाई यहां पर रख दे घास पर, नहीं 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 भाई यहां पर प्यार से रख दे, प्यार से। ओ भाई वेरी गुड भाई, प्यार से रख दे, वो रहे कौए खा रहे थे तो इसलिए हमने छोड़ दिए दो ब्रेड। तो ये हम डॉग के लिए पाएंगे, इसने तो हमारे बंदर से भी दांत लगवाने थे, जतिन ने रोड पर फेंक दिए। पापा देखो कितनी ज्यादा धूप, इन्हें ब्रेड गिरा दिए थे भाई, देख लो अभी हंस रहा था, देखो भाई देखो इसकी हंसी तो देखो। चलो भाई कौए भी खा रहे हैं उसे। गाइस अभी हम पौने वाले छोटे से पिल्ले से, वो देखो बेचारे का हालत देखो कितनी ज्यादा खराब। सभी पौने वाले हम इसे छोटे वाले डॉग को, ये देखो लड़ाई होगी उनकी, तो दोनों भाई ये देखो भाई कितनी ज्यादा इसीलिए आप भी करा करो तो आगे बढ़ते हैं। बस अभी रखो, इतना सा खाएंगे भी, चल चल खाने दो, आगे चलते हैं जतिन जल्दी। तो गाइस अभी अपना आ गया टाइम स्ट्रीट डॉग को पाने के लिए ब्रेड, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा करो करो प्लीज गाइस प्लीज। ये रहे दो डॉगी मिल गए हमें, इन्हें पाते अभी, लो लो भाई खाओ खाओ खाओ। भाई ये तो नवाब की तरह कर रहे हैं, भाव नहीं दे रहे कोई। चलो भाई हम सक्सेसफुल रहे, सभी जानवर जो हमें रास्ते में मिले हम सभी को थोड़ा थोड़ा डालते गए, पाते गए। तो ऐसे हम अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, तो आप भी करा करो गाइस प्लीज स्ट्रीट डॉग। तो भाई आपको पता है आज 15 अगस्त है, अपने देश की सेवा करनी तो सबसे पहली बनती है भाई, जानवर की तो अलग से है, देश की तो अलग से है, देश की पहले भाई। तो गाइस अभी हम करने वाले हैं पार्टी, तो आपको दिखाएंगे कुछ अलग करने वाले हैं गाइस, साथ तो हटके एकदम मस्त। तो ये देखो गाइस हमारे यहाँ तो बर्गर में भी हमने तिरंगा लगा दिया है एकदम मस्त, 15 अगस्त पे कुछ स्पेशल, इस पे मत ध्यान दो, जो हमने मोड़ा था जब फट गया था, तो यहाँ पर ध्यान दो खाने पर, अभी जल्दी जल्दी खाते हैं। तो जतन भी भाई खाने तो लग गया, हैप्पी न्यू ईयर भाई, क्या कहता रहता तू। तो चलो गाइस आपको मिलते हैं खाकर, अभी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाले, अभी तो बहुत भयंकर वाली भूख लगी है,
तो आपको मिलते हैं बाहर। गाइस अभी टाइम हो गया रात के 10 बज गया, तो गाइस आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, तो सुनो। तो गाइस आप आज के ब्लॉग में आपने देख लिया हमने क्या किया, कुछ अलग सा कोशिश की करने की। गाइस तो आज के ब्लॉग में हमने किया सबसे ऊंची वाली पहाड़ की चोटी पर झंडे को लहराया। बट गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये सब करके, तो बहुत ही मुझे प्राउड फील हो रहा है भाई ये सब करके। तो गाइस देश की सेवा हमें करनी चाहिए, चाहे किसी हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बट स्टिल फॉर मी गाइस, तो देशभक्ति में ये आता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आगे जाके करेंगे। गाइस बेसिकली गाइस जो भी हम काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देश के लिए सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, वो हमें अच्छे मन ना करना चाहिए, एकदम साफ मन से करना चाहिए। देशभक्ति के लिए जो भी काम हम कर रहे हैं अच्छा अच्छा करना चाहिए, देश के लिए, देश हमारी इतनी बड़ी, कोई भी हमें काम अच्छे से ईमानदारी से देश के लिए करना चाहिए गाइस। तो गाइस आपको 100% देकर देश की सेवा करनी चाहिए, कुछ भी काम कुछ ना कुछ फील्ड में करना चाहिए भाई। तो आज हमने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया, तो आपने ब्लॉग में देख लिया होगा हम एनिमल्स को खाना दिया, ब्रेड पाए उसको और कुछ खाने के लिए दिया। तो आपने ब्लॉग में देख लिया होगा हम एनिमल्स लवर है भाई, सभी एनिमल जो हमें स्ट्रीट एनिमल्स मिले रस्ते में वो उनको हमने कुछ ना कुछ पाया ब्रेड दिए। तो आपने थोड़ा बहुत देख लिया होगा कि ब्लॉग से हमने थोड़ा दिखाने की कोशिश की, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था। तो चलो बस ये थोड़ा सा ब्लॉग लेट आएगा, तो आप जब देख रहे होगा तो एक दिन लेट होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए ब्लॉग गाइस बन नहीं पाया। तो एक बार फिर से गाइस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के लिए। इस ब्लॉग को करते एंड, ये आपको आज का हमारा अंदाज कैसा लगा झंडा सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पर जाके फैलाने का? गाइस इसके लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय गाइस।